जब तक चिकन सिक रहा है तब तक हम खाएंगे ये वाले बीज। लाए थे हम लोग वहाँ से अंजीर, ये अंजीर है और इसको टेस्ट करेंगे हम पहले। हम लोग अंगीठी वगैरह बिछाएंगे, यानी चिकन वगैरह हम लोग लाए थे तो उसको पूरा बेक करेंगे। और पक्के कबाब तैयार हो चुके हैं चिकन के, और ये हमारे बनाने वाले हैं ये मामू। पूरा चल रही है इनकी पार्टी, मैं हो चुका हूँ फारिक। चलते हैं अब हम लोग अपनी पिकनिक की तरफ, और वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है अपनी अंगीठी, ये भी यहाँ रख दी हमने, और सारा सामान हम पीछे निकाल के रखेंगे। ये कोयले हैं, ये है इससे आग जलती है, सब ले लिया। अंजीर लेने के लिए रुके हैं हम लोग, और यहाँ की जो अंजीर होती है वो ऐसी होती है। भुंडा भी लिया है हमने, तो अंजीर और भुंडा वहाँ पे देख के खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें। अभी हम लोग रुके हैं मार्केट मतलब पेट्रोल पंप पे कुछ लेने के लिए, और वहाँ पे बैठ के खाने का एक अलग एक्सपीरियंस है ना, तो यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा सामान हम लोग। अब देखता हूँ मैं कुछ पानी वगैरह लूँगा, तो यहाँ से एक बड़ा वाला पानी ले लेते हैं हम, ये वाला वो पानी लिए हैं मैंने अभी यहाँ से, और कुछ खाने पीने का देखता हूँ इधर। अरे वहाँ कम वाहिद अरबर यार ले। ये कुछ बीज के पैकेट हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें छोटा पैकेट में देख रहा हूँ, अगर छोटा है तो 6 रियाल का आता है वो, ये है 10 रियाल का। चलो ये ले लेते हैं फिर, कम रियाल बताए वगैरह ले लिया हमने, वो जा रहे हैं हमारे मामू सामान लेकर। चलते हैं हम लोग आगे, क्योंकि सामान भी ले लिया हमने खाने पीने का और सारी चीज़ें ले ली हमने। अब चलते हैं पिकनिक की तरफ और बैठेंगे वहाँ जाकर एंजॉयमेंट करेंगे, और शाम को चिकन पार्टी वहाँ पर। आ चुके हैं फिलहाल हारा के अंदर, और अभी यहाँ पे थोड़ा पिकनिक वगैरह करेंगे। गाड़ी पार्क कर रहे हैं अभी हम लोग, और सामान हमारा यहाँ रखा हुआ है। तो ये आप मेरे सामने मंजर देखें कितना खूबसूरत है अजी। तो अभी सामान अंदर रखेंगे हम लोग, क्योंकि पहले बैठना है उधर, और इधर तालाब है और इसके अंदर फिश भी हैं। और आप लोग मेरे पीछे समुंदर चेक कर सकें कितना खूबसूरत समुंदर है, और ये पूरा रॉकी का एरिया है, मतलब सब पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और इसके अंदर मछलियाँ भी बहुत सारी हैं। जो जगह है इस जगह का नाम है हारा, और पिकनिक का एरिया है पूरा यहाँ पर, तो हम भी लोग भी पिकनिक करेंगे थोड़ी बहुत देर में भी। और हवा इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पर, इतनी तेज़ हवा वल्ला ही, और जो मौसम भी हो रहा है ना वो भी बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है इधर अभी। अभी मैं पत्थर चैलेंज करने वाला हूँ, यानी देखूंगा कितना दूर मुझसे जाएगा। इतने सारे रॉक्स हैं, कन्फ्यूज़ हो रहा है कि कौन सा उठाएं। वाला चेक करूँगा मैं, ये वाला। तो नहीं गया, दूर नहीं गया ज़्यादा। मामा जा लेंगे अब हमारे, वो डबल जंप कर गया ये। बहरहाल मुझसे तो खैर नहीं लग पाया, मामा ने तो मार दिया था। चले जी अब हम लोग तैयारी करते हैं, अब अपना कारपेट वारपेट बिछाएंगे और तैयारी करते हैं बारबेक्यू की जो हम लाए थे। निकालो ये क्या ले लिया, ये तो गाड़ी का मोबिल ऑयल है, इसे कहाँ डालोगे। मैं ले लेता हूँ कोयले, बस मैंने अपने हाथ में सिर्फ कोयला पकड़ा है, बाकी सामान ये जा रहा है, सब लेके जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ कोयला। ये तो सारा सामान आ गया है, और लाइटर लेने जा रहा हूँ मैं अभी गाड़ी में से, तो भी लाइटर लेके और इसकी तैयारी कर देंगे हम लोग। ये हमने लाइटर और हवा मारने के लिए ये पैड तैयारी हो गई है कोयला जलाने के लिए। पहला दुखा रहा हूँ ये वाला इस तरह से, ये जला रहा हूँ, और एक सही अभी सारे जलेंगे शायद। आग तो लगा ली इन्होंने सही करके, और ये हम लोग लाए थे बीज खाने के लिए, तो छीलना पड़ता है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खाऊंगा। पहले ये भुंडा सेकोगे क्या? मेरे सामने है खूबसूरत मंजर, और मेरे हाथ में है अंजीर। यहाँ की अंजीर बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, पता नहीं कैसी अंजीर है, मैंने पहली मरतबा खाई है, इसको टेस्ट करते हैं।
चेक करें अंदर से पूरी लाल है ये। ओए होए होए बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। ये जो मेरे सामने गुफा है इसके अंदर चल के देखता हूँ क्या सीन है इसके अंदर। बहरहाल ये अंदर से तो खाली है पूरी, अंदर बहुत सारे होल्स हुए हैं। आई थिंक यहाँ सांप वाप हैं शायद, तो जाना बेकार है इधर। अभी शाम का वक्त भी हो गया है और उधर हमारी अंगीठियाँ जल रही हैं, कोयले अभी तक सिक रहे हैं। बहरहाल तो उस पर हम लोग बनाएंगे कबाब, चिकन बनाएंगे वैसे तो। हाँ पुंटे वगैरह सिक गए हमारे और अब हम लोग ट्राई करेंगे इस चिकन को इसमें डालने के बाद फिर सेकेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा फिर खाने में। पुंटा जला के पूरा काला कर दिया ये काला ही हो गया। ये ट्राई करने लायक है अभी नहीं है। और अभी ये चिकन आ गया हमारा, नहीं ये लोग सेक रहे हैं और मैं करता हूँ इंतज़ार कि कब तक ये खाना वाना जो भी बना रहे हैं यहाँ पर सिकेगा और मैं खाऊँगा। तो अभी तो सिक रहा है। खैर बहरहाल अभी अभी एक बात पता चली कि सारी चीज़ें ले आए हैं लेकिन नींबू लाना भूल गए, मज़ा नहीं आएगा उसमें। ये आ गया मेरे हाथ में फिलहाल भुंटा सऊदी अरेबिया का। चलो इसको ट्राई करता हूँ मैं कैसा है इसका टेस्ट। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। बिस्मिल्लाह। ओहो बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा भी गर्म हो रहा था। थोड़ी देर में खाएंगे हम लोग, तब तक चिकन सिक रहा है तब तक हम खाएंगे ये वाले बीज। बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं ये, इसको तोड़ के खाना पड़ता है लेकिन अब तोड़े इतना टाइम लगे हमसे नहीं होता। हम तो पक्के कबाब तैयार हो चुके हैं चिकन के और ये हमारे बनाने वाले हैं ये मामू, पूरे इन्होंने तैयार कर दिए हैं बना के, रेडी हो चुके हैं और जला भी दिए इन्होंने। सिक्के फाइनल हो चुके हैं हमारे चिकन के कबाब, बस थोड़ी हवा लगनी बाकी है, बस वो लगा दो बाकी बस खाओ। ये सिक बन के तो तैयार हो गई, जला तो नहीं दी कहीं, अच्छी खासी जला दी बैल। चलो इसको ट्राई करेंगे अब हम लोग। तो ये है चिकन की सीख, तो इसको ट्राई करेंगे हम लोग। और ये बनाई है तो एक ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत बढ़िया, ये आ गई बन के तैयार। ये देखें काफ़ी जूसी और काली तो ज़्यादा कर दी इन्होंने, खैर खानी तो पड़ेगी रिजक है तो। बिस्मिल्लाह। बहुत आजा ऐसी थी और बन के ऐसी हो गई। तो हम लोग रोटी से ट्राई करेंगे एक बाइट इसकी कैसी लगती है। तो ये ले लिया हमने एक बाइट रोटी का। बिस्मिल्लाह। चल रही है इनकी पार्टी, मैं हो चुका हूँ फारिक। देखें इधर छोटे छोटे बच्चे ऊपर चढ़ गए हैं बिल्कुल। नहीं कुछ रोटियां बच गई हैं, तो उधर जो एरिया था समुंदर का वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो ये सारी रोटियाँ उन मछलियों को खिलाएंगे हम। तो देखते हैं वहाँ पे कितनी मछली निकल के आती है, हालांकि रात का टाइम है तो शायद आपको इतना ना दिखे लेकिन देखते हैं फिर भी। एक रोटी का टुकड़ा है और डालते हैं हम इसके अंदर, मछली आएंगी इधर। बाकी व्यू देखो आप कितना खूबसूरत है, मछली ले गई रोटी और पूरा अंधेरा आ रहा है यहाँ पर अभी। बाकी ये जितनी रोटियाँ हैं मैं अभी सारी डालूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुशामदीन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस सऊदी अरेबिया कल्चर की मिलती रहे। थैंक यू।